हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं द मेल फ्यूरी फॉक्स ऑफ लियाओ ज़ाय मूवी की। गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों का मन हो चैनल को सब्सक्राइब करने का तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब करने का मन नहीं है तो वीडियो पूरा देखने के बाद में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। कहानी की स्टार्टिंग में हमें युन नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो कि जंगल में किसी जादुई पौधे के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन वो पौधा एक जीवित पौधा था और बहुत ही फुर्तीला था। वो युन के हाथ आ ही नहीं रहा होता है, वो वहाँ से भाग जाता है। तभी अगले सीन में हमें एक यूली नाम के आदमी को दिखाते हैं जिसने एक कपल को पकड़ रखा था और वो उन्हें किसी चीज के लिए टॉर्चर कर रहा होता है। असल में वो दोनों स्टीन फॉक्स थे और यूली को उनकी पावर चाहिए थी। यूली उस मेल फॉक्स के सामने उसकी वाइफ को टॉर्चर करने लगता है तो वो मेल फॉक्स हार मानकर यूली को अपनी पावर दे देता है। तभी वहाँ पर थ्री टेल फॉक्स आ जाती है जो कि एक बहुत बड़ी फॉक्स होती है और बहुत ही पावरफुल होती है। वो यूली और उसके लोगों को मारने लगती है। उस फॉक्स को देखकर यूली और उसके आदमी काफी डर भी जाते हैं, लेकिन क्योंकि यूली एक जादूगर था इसलिए वो उस फॉक्स को पकड़ने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में उस फॉक्स को पकड़ भी लेता है और कहता है कि मैं कई हजार सालों से मैं तुमको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ देर में वो फॉक्स यूली के उस जादू को खत्म कर वहां से निकल जाती है और उस पर हमला कर देती है। यूली अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है तो वो थ्री टेल फॉक्स उसका पीछा करती है और वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर वो फॉक्स यूली को जान से मारने वाली होती है, लेकिन वहां पर यून आ जाता है और आकर उस फॉक्स को अपनी तलवार से घायल कर देता है जिस वजह से वह फॉक्स वहां से भाग जाती है। लेकिन जाते जाते उसके कुछ बाल जमीन पर गिर जाते हैं। वो फॉक्स एक गुफा में चला जाता है जहां वो एक लड़के के रूप में आ जाता है और उसका नाम होता है वाई चेंग। तभी यहां पर एक एरिन नाम की फीमेल फॉक्स को दिखाते हैं जो कि वाई चेंग की दोस्त थी। वो उसे अपनी शक्ति से ठीक कर देती है जिससे उसका घाव बहुत जल्दी बढ़ जाता है। इधर यून भी अपने घर पहुंच गया होता है जहां पर उसकी दादी उसका इंतजार कर रही होती है। वहां पर उसकी दोस्त लियो भी होती है। यून की दादी उससे कहती है कि तुम जल्दी से शादी कर लो, लेकिन यून शादी के लिए मना कर देता है क्योंकि सबसे पहले वो अपनी बीमारी का इलाज करना चाहता था। उसकी दादी उसे बताती है कि हमारे घर में पीढ़ियों से एक बीमारी है जो कि सिर्फ आदमियों को ही होती है। दरअसल में वो एक शराब था जिससे उनके घर के जितने भी आदमी होते थे वो ज्यादा उम्र तक नहीं जीते थे, वो जल्द ही मर जाते थे। उसकी दादी उससे कहती है इसीलिए तुम्हें जल्दी शादी करके एक संतान देनी होगी ताकि हमारी पीढ़ी आगे बढ़ सके। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि शहर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ होता है जहाँ पर बाई चेंग भी आ जाता है। इस बीच में उसकी मुलाकात वहाँ पर एक लड़की से होती है जिसका नाम जून था। बाई चेंग को लगता है कि उसकी दोस्त एना ने इस लड़की को उसके पीछे लगाया है, इसलिए वह जून को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी हमें सूली के दो आदमियों को दिखाते हैं जो कि बाई चेंग को उसी मेले में ढूंढ रहे होते हैं। जो बाई चेंग के बाल उस जंगल में गिर गए थे वो यूली ने अपने पास में रख लिए थे। वो उसके ऊपर जादू करके उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यूली के वो दोनों आदमी भी किसी काम के नहीं होते हैं क्योंकि वो कहीं से कहीं तक बाई चेंग को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। जिसके बाद बाई चेंग और जून एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर तलवारबाजी का कंपटीशन हो रहा था। वो दोनों देखते हैं कि यून एक काफी अच्छा तलवारबाज है और उससे कोई भी नहीं जीत पा रहा है। तभी जून उस बाई चेंग को उस फाइट में भेज देती है जिसके बाद में बाई चेंग उसकी बात मानकर यून से फाइट करने लगता है। तब यून को पता चलता है कि बाई चेंग में कुछ तो बात है क्योंकि वह काफी अच्छी तलवारबाजी कर रहा था। यून को आज तक तलवारबाजी में कोई भी टक्कर नहीं दे पाया था पर बाई चेंग ने उसे आसानी से हरा दिया था। इसके बाद में वो शर्त के मुताबिक यून को बाई चेंग अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। हालांकि वह बाई चेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन बाई चेंग कैसे भी किसी भी तरह से यून को इम्प्रेस करना चाहता था क्योंकि यून के साथ रहकर उसे अपनी शक्तियां वापस मिलने वाली थी, इसलिए वह यून को, लेकिन यून को वो जैकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है तो यून बाई चेंग को वहां से डांट कर भगा देता है। एक दिन बाई चेंग यून से कहता है कि मैं आपका वफादार बॉडीगार्ड बनना चाहता हूं, इसलिए यून बाई चेंग की बात मान लेता है और उसे एक मौका देता है। वो बाई चेंग से कहता है कि मुझे एक जादुई पौधे की तलाश है जो कि जंगल में इधर उधर भागता रहता है और तुम्हें उसे पकड़ने में मेरी मदद करनी पड़ेगी, जिसके लिए बाई चेंग तुरंत हाँ कर देता है। रात में जब वो लोग जंगल में उस पौधे को पकड़ने के लिए जाते हैं तो बाई चेंग उसे बहुत आसानी से पकड़ लेता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फुर्तीला था, लेकिन उसे उस पौधे पर तरस आ जाता है और वह उसको छोड़ देता है। इस बात की वजह से यून उससे काफी गुस्सा हो जाता है तो वो बाई चेंग को फिर से डांटने लगता है। इसके बाद में बाई चेंग यून को एक जादुई फूल के बारे में बताता है जिससे हर तरह की बीमारी ठीक
ठीक हो सकती थी। यूनको उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। वो बाई चांस से कहता है ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। बाई चांस उससे कहता है कि फूल ऑर्चिड सच में होता है। उस फूल का नाम ऑर्चिड था और वो कहता है मैं आपको उस तक पहुंचा सकता हूं। अगले दिन बाई चांग और यून दोनों ही उस फूल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो एक माउंटेन पर चले जाते हैं। कुछ ही दूर जाने पर माउंटेन खत्म हो जाता है। उसके आगे एक बहुत गहरी खाई होती है। वो दोनों उस खाई में कूद जाते हैं और एक अंधेरी गुफा में पहुंच जाते हैं। अचानक से यून को वहां पर विजन दिखने लगते हैं जिसमें उसकी दादी उसको चिल्ला रही होती है। वो उसकी बीमारी का जिम्मेदार उसी को बता रही होती है कि तभी यून को बाई चांग जगा देता है और यून की आंख खुल जाती है। तभी वो दोनों गुफा में उस ऑर्चिड को ढूंढने लगते हैं। तभी वहां पर एक यूसिल नाम का आदमी दिखता है। वो वहां पर अपनी मरी हुई बेबी की लाश की रक्षा कर रहा था और उसी के पास में वो ऑर्चिड फूल होता है जिसकी वजह से उसकी बीबी की आत्मा अभी तक वहीं पर कैद थी। यूसिल को बाई चांग और यून पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उन दोनों पर हमला कर देता है लेकिन बाई चांग बड़ी चालाकी से उस फूल तक पहुंच जाता है और उसे उठा लेता है। ये देखकर यूसिल बहुत गुस्से में आ जाता है लेकिन बाई चांग उसे समझाने लगता है कि इस फूल से तुम्हारी बीबी जिंदा नहीं होगी बल्कि इसकी वजह से तुम्हारी बीबी की आत्मा अभी तक यहाँ पर कैद है और तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम भी एक आत्मा ही हो, इसलिए तुम दोनों को अब मुक्ति मिल जानी चाहिए। ये बात सुनकर यून को काफी ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि यूसुल भी खुद एक आत्मा ही था और वह अपनी बीबी की आत्मा की रक्षा कर रहा था। लेकिन बाई चांग के काफी ज्यादा समझाने पर यूसुल उसकी बात को मान जाता है और वो फूल को वहाँ से हटा देते हैं जिससे यूसुल की बीबी की आत्मा वहाँ से आजाद हो जाती है। वो दोनों बाई चांग का शुक्रिया अदा करते हैं और हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद में बाई चांग यू को वो फूल दे देता है और वो लोग वापस आ जाते हैं। यून बाई चांग को उसके लिए शुक्रिया बोलता है। धीरे धीरे यू बाई चांग को पसंद करने लगा था और उस पर ट्रस्ट करने लगा था। और अगले सीन में हमें दिखाते हैं यून अपने कमरे में चला जाता है और उस ऑर्चिड फूल को सूंघने लगता है। उसकी शक्तियाँ यून के अंदर चली जाती हैं लेकिन उससे उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है और उल्टा उससे उसे और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसके माथे पर उससे एक मांक आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर बाई चांग तुरंत ही अंदर आ जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। उसके सर पर वो निशान देखकर बाई चांग एकदम समझ जाता है कि ऑर्चिड से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिराप है जो कि उसे गॉड से मिला है। उसके बाद में बाई चांग और यून दोनों मिलकर रात में बहुत ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं यूली बाई चांग के कटे हुए बालों से तंत्र मंत्र करके पता लगा लेता है कि वो फॉक्स यून के परिवार में ही कोई है। अगले दिन यूली उनके घर पर आ जाता है और यून की दादी को बताता है कि एक जादुई फॉक्स बहुत जल्दी यून को खत्म करने वाली है, इसलिए उस फॉक्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन यून ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहता था और यूली को अपने घर से जाने के लिए कहता है। लेकिन यूली उसकी दादी को मना कर अपने तंत्र विधा का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वह उस फॉक्स को पता लगा सके। तभी उसकी वजह से यून के सर में एक दर्द होने लगता है और यूली को बाई चांग के बारे में कुछ अजीब नजर आता है। वह बाद में जाते वक्त यूली यून से अकेले में मिलता है और उससे कहता है कि आपके सर्वेंट बाई चांग में कुछ फॉक्स की छवि दिखाई दे रही है, लेकिन यून इस बात को साफ इनकार कर देता है। तभी यूली उसको जादुई पानी देता है और कहता है कि आप इस जादुई पानी को अपने सर्वेंट को पिला देना जिससे वह अपने असली रूप में आ जाएगा। यून को यूली की बातों पर थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है और उसे अपने पिछले रात की कुछ बातें याद आती हैं क्योंकि जब वो शराब के नशे में थे तब उसे लग रहा था कि बाई चांग के पीछे उसकी 3 टेल हैं। तो वो उस रात में शराब की बोतल में वही जादुई पानी मिला देता है और बाई चांग मजाक में उस पानी को पी जाता है। इसके बाद में उसका बर्ताव बदल जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो एकदम अचानक से खूंखार फॉक्स में बदल जाता है। फॉक्स में बदलने के बाद में उसे कुछ भी याद नहीं रहता है और वो यून पर हमला करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है और यून के ऊपर एक लकड़ी का लट्ठा गिरने वाला होता है। लेकिन वो फॉक्स उसे बचा लेती है क्योंकि अब उसे कुछ ना कुछ याद आ चुका था। तभी कुछ देर बाद बाई चांग फिर से इंसानी रूप में आ जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वो खुद को यून के कमरे के बिस्तर पर पाता है जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी यून का एक नौकर उसके पास आकर बताता है कि यूली आपसे मिलना चाहते हैं। तुरंत बाद यून उससे मिलने जाता है। यूली उससे बाई चांग के बारे में पूछता है तो यून उससे कहता है कि बाई चांग कोई फॉक्स नहीं है, तुम झूठ बोल रहे थे, वो एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन यूली को फिर भी यून पर कुछ शक हो जाता है। लेकिन ना
चाहते हुए उसे वहां से जाना पड़ता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बाईचेंग एना के पास उस गुफा में पहुंच गया होता है। एना उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम अपनी शक्तियां पाने के लिए अब यून के सर्वेंट बनकर मत रहना, ये तुम्हारा गलत फैसला है, लेकिन क्योंकि उसने सबके सामने तुम्हारा राज खोलने की कोशिश की थी वो तुम्हें कभी भी मार सकता है। हालांकि बाईचेंग को यून से कोई भी दिक्कत नहीं थी, उसे उस पर भरोसा था। वो एना को समझाता है कि यून ऐसा नहीं है। एना बाईचेंग को मनाने की काफी कोशिश करती है लेकिन बाईचेंग किसी भी तरह से नहीं मानता है। वो यून की मदद करना चाहता था क्योंकि किसी भी पल यून की बीमारी उसकी जान ले सकती थी। तभी रात में यून शहर की मार्केट में जाता है जहां पर लियो यून को प्रपोज करती है, लेकिन यून उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। ये सुनकर लियो को बहुत बुरा लगता है और वह वहां से चली जाती है। लेकिन तभी सूली वहां पर आ जाता है और वो लियो को भड़काने की कोशिश करता है। यूली लियो से कहता है कि जो बाईचेंग है वो एक व्हाइट फॉक्स है, वो यून को मारना चाहता है और उसी ने ही यून को तुम्हारे बारे में भड़काया होगा, इसीलिए यून ने तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अगर तुम यून की जिंदगी बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, हमें मिलकर बाईचेंग को खत्म करना होगा। ये सारी बातें सुनकर लियो यूली का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। लियो जाकर दादी को बाईचेंग के फॉक्स के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी बाईचेंग और यून दोनों घर आ जाते हैं। तब यून की दादी सभी सिपाहियों से बाईचेंग पे हमला करने को कहती है। वो यून को बताती है कि बाईचेंग तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन यून को पता था उसकी दादी को लियो को यूली ने ही भड़काया है। वो अपनी दादी को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती है। तभी सिपाही बाईचेंग को खत्म करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं बाईचेंग को मारने की लेकिन वो उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल था। वहां पर एक बहुत खतरनाक फाइट होती है जिसमें वो सिपाही बाईचेंग को छू भी नहीं पाते हैं। बाईचेंग उन सबको मार देता है लेकिन तभी लियो पीछे से आकर यून की दादी को तलवार मारकर उन्हें वहीं मार देती है और वो सारा इंतजाम बाईचेंग पर डाल देती है। यून को भी ऐसा लगने लगता है कि ये सब बाईचेंग ने किया है, उसे लगता है कि उसकी दादी को बाईचेंग ने मारा है। वो गुस्से में बाईचेंग के सीने में तलवार घुसा देता है। तभी वहां पर एना आ जाती है और वो बाईचेंग को अपने साथ वापस गुफा में ले जाती है और उसका घाव का इलाज करने लगती है। एना बाईचेंग को फिर से समझाती है कि तुम अब यून का साथ छोड़ दो क्योंकि वह अब तुम्हें दुश्मन मानने लगा है, लेकिन बाईचेंग एना की नहीं सुनता है और वो उसकी मदद से वो यून के सामने सच लाना चाहता था। लेकिन एना ना चाहते हुए भी वहां पर जादू से एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देती है ताकि बाईचेंग वहां से ना जा सके। लेकिन तभी वहां पर जून आ जाती है और वो बाईचेंग को रोकने की बहुत कोशिश करती है। वो बाईचेंग को बहुत समझाती है लेकिन बाईचेंग जून से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बाईचेंग के काफी ज्यादा समझाने के बाद में जून को उसकी बात मानना पड़ जाती है। तभी जून बाईचेंग को प्रोटेक्शन शील्ड से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ लियो जून को लेकर यूली के पास पहुंच जाता है लेकिन यूली उन्हें बाईचेंग के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और उसे एक हथियार देकर बाईचेंग को मारने को कहता है। उससे कहता है कि वो तुम्हारी जान ले सकता है इसलिए तुम उसे पहले खत्म कर दो, लेकिन यून उसकी ये चाल समझ गया था। वो उससे कहता है कि बाईचेंग मेरा दुश्मन नहीं है बल्कि तुम मेरे दुश्मन हो, मुझे सारी चीजें पता चल गई हैं क्योंकि लियो ने उसे सब कुछ बता दिया होता है। तो यून यूली पे हमला कर देता है लेकिन क्योंकि यूली जादू करता है इसलिए वो यून पे भारी पड़ रहा था। इस लड़ाई में लियो का सर पेड़ से टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। तो यून उसे एक पेड़ से टेक देता है। यून को खत्म करने वाला ही होता है कि तभी वहां पर बाईचेंग आ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर यूली पर हमला कर देता है लेकिन तभी यूली एक ऐसा जादू करता है जिससे बाईचेंग जब भी कोई हमला करता है तो उसका असर यून पर जाता है। वो बाईचेंग से कहता है कि अगर तुम्हें यून को जिंदा रखना है तो तुम्हें अपनी सारी ताकत मुझे देनी होगी। बाईचेंग यून को नहीं मरने दे सकता था, यून की हालत बहुत खराब होती है इसलिए वो अपनी सारी पावर दे देता है। हल्के हल्के उसकी सारी की सारी पावर उसकी बॉडी में से निकल जाती है। इधर से यून के सर पे वो लगा हुआ मार्क एकदम से गायब हो जाता है, उसकी जिंदगी बढ़ जाती है, उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। दरअसल में बाईचेंग ने अपनी पावर यूली को नहीं यून को दे दी थी। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। यून उससे रुकने को कहता है लेकिन बाईचेंग उसे समझाता है कि मेरे मरने से तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी, तुम्हारी परिवार से ये श्राप हट जाएगा, और फिर वो मर जाता है और गायब हो जाता है। लेकिन अब यून के अंदर बाईचेंग की पावर्स थी तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और यूली को लग रहा था कि उसने उसे पावर दी है लेकिन उसके पास में कोई भी पावर नहीं होती है। यून यूली को बहुत आसानी से वहीं मार देता है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।